दें, वैसे भी कितना टाइम लग रहा है तो रिफ्रेश कर पाते हैं। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो है मिसिसागा बीच पे बहुत ज्यादा सही है, लेक भी है यहाँ पे और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन अभी जैसा कि सर्दी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे विजिटर वो बहुत कम हो रहा है और जब यहाँ पे गर्मी आती है तो यहाँ पे तो जी प्यारे YouTube फैमिली, अभी ये बहुत ही मेरे मोहतरम दोस्त हैं, भाई हैं, ये आपको बताएंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ लेकिन फिर भी आज फिर आया हूँ, लेकिन मैं क्यों आया हूँ यही अपनी मतलब अपनी जुबान से आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये मेरे दोस्त हैं राणा जमील साहब, इनके साथ मैं पहली दफ़ा इस झील पर आया हूँ देखने के लिए, नज़ारा करने के लिए, और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत प्यारी जगह है। आपको भी जिन जिन दोस्तों ने नहीं देखा अगर मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर आना देखना, और बाकी जो भी मालूमात है या इसके बारे में जो बताना चाहेंगे वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसके सारी डिटेल। किस जगह पे प्रोमिनेंट है, वैसे ये लेक प्रोमिनेंट लेक है, लेकिन आपको किस तरह की लगी है, आप मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हालांकि वहाँ भी ठंडी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो YouTube फैमिली आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आए मैं बड़ी दूर से जूम करके कोशिश कर रहा हूँ, ये CN टावर जो ट्रेंट हो गया है वो सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि मौसम इस तरह का बना है कि वहाँ की बिल्डिंग बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। इतना दूर नहीं है लेकिन फिर भी ये मिसिसागा सिटी और वो ट्रेंट हो गया सामने। तो अभी हमारे पीछे एक कश्ती गई है, वो मेरे ख्याल से कोई प्रोफेशनल लोग है जो पूरा अपना लिबास पहन के जो पानी में, क्योंकि ठंड भी है और स्पेशली ठंड इस वजह से ज़्यादा बनी हुई है क्योंकि हवा चल रही है और हवा में काफ़ी नमी है इस वक्त। तो आप अपना बताएं कि ठंड के बारे में, कि यहाँ की सर्दी के बारे में अपने व्यूज़ बताएं। अभी तो मैं नया नया आया हूँ, अभी इतने व्यूज दे नहीं सकता क्योंकि अभी सर्दी शुरू हुई है और मुझे तो परहेज करना चाहिए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि गर्म से गर्म कपड़े पहनूं और सर्दी से बचने की कोशिश करूं। लेकिन अब जो वेदर बता रहा है वो ये बता रहा है कि 8-10 दिन के बाद यहाँ पे बर्फ स्टार्ट हो जाएगी, बर्फ पड़नी जो है ना स्नो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप व्यूवर्स को ये कैमरा करके दिखाएं, यहाँ पे जो बोट्स खड़ी हैं ये समंदर में जाती हैं फिशिंग के हवाले से, और ये देखिए ये फिशरमैनों की है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने प्राइवेट बोट्स रखी होती हैं जो फिरने के शौकीन होते हैं, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाते हैं, उन्होंने प्राइवेटली अपनी रखी होती हैं। तो बात शौक की होती है, जैसे किसी को स्पोर्ट्स का शौक है, किसी को घूमने का, किसी को शिकार का, ऐसे ही है जी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, किसी तो को अपना अपना शौक होता है, कोई अपना अपने शौक की बात, बिजनेस के लिए करते हैं, कुछ अपने के लिए करते हैं, बिल्कुल कुछ अपने लिए करते हैं, कोई शौक से करते हैं। हाँ जी ऐसे ही है। तो ये देखे होंगे व्यूअर्स, और मुझे आपको ये जो ट्रीज हैं जैसे उधर पत्ते नजर आ रही है रेड रेड, ये देखिए आपको किस तरह के लग रहे हैं, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया ना, मौसम खजान यानी फॉल जिसे कहते हैं, पत्ते लाल होके ये गिरने शुरू हो जाते हैं, तो ये बड़ी खूबसूरती बनाते हैं, अल्लाह ताला की मतलब एक कुदरत है ये भी इनमें नजर आती है। आपको कैसी लगती है? नहीं बहुत प्यारी लग रही है। तो देखते हैं चल के वो पत्ते भी। लेकिन ये है कि सर्दी में जैसे समटाइम आइसक्रीम खाने का बड़ा मज़ा आता है यकीन करें, तो इसी तरह सर्दी में ये घूमने का, जब बर्फ़ पड़ रही होती है
तो कोई सर्दी नहीं होती, बड़ा प्यारा मौसम होता है। खासतौर पर रात ऐसी होती जैसे चांदनी रात नहीं होती, बर्फ आ रही है चांदनी रात है, बहुत मजे का माहौल होता है। और जब अगला दिन होता है मतलब जब सूरज निकलता है, सूरज निकलने के बाद क्या होता है कि हल्की सी हवा भी ऐसी होती है जैसे बर्फ के टच होके जिस्म को चीर के गुजरती, इतनी ठंड हो जाती है फिर वो। लेकिन बर्फ के दौरान वो एक बड़ा VIP मॉल होता है, ये देखिए यहाँ पे ट्रेंटो की बिल्डिंग्स दूर से कितना खूबसूरत वो एक साइट बन रहा है, व्यू बहुत प्यारा बहुत प्यारा। यहाँ से अभी मेरे को ले आएगा नहीं दिखाते, असल में इंशाल्लाह ताला जब गर्मियां आती है ना तो फिर चलेंगे। ये जो जगह है ये बड़ी प्यारा मंदिर बन जाता है, ये वाले देखते हाँ जी। ये कौन से पौधे, इनका नाम का पता ही नहीं, ये एग्जैक्टली मुझे इनका नाम ही आता। एक तो ये देखिए इन पे कुछ पता नहीं ये क्या लगा हुआ है, ये पता नहीं क्या चीज है ऊपर। तो जो मैपल ट्री होता है ना, मैपल के भी पत्ते सुर्ख हो जाते हैं, लेकिन मैपल जो है मैं अपने व्यूज को बताता चलूं कि दुनिया में 90% जो मैपल है ये कैनेडा प्रोड्यूस करता है। मैपल से बहुत सारे चीजें हैं, शुगर की जगह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, और भी मेडिसिन में भी वो पड़ता है, बड़ा अच्छा होता है वो। चंद लोग हैं जो हमारी तरह निकले हुए, अदरवाइज सीजन नहीं है, क्योंकि ये सीजन नहीं है। तो कहते हैं ना आती सर्दी और जाती सर्दी से बचना चाहिए, और वैसे भी जो पहली सर्दी होती है उससे बचना चाहिए, जो पहली सर्दी जाती है उससे बचना चाहिए। वो एक दफा कहते हैं लग जाए ना तो 5 साल में वो बंदे को वो तकलीफ देती है, मुश्किल में डालती है। हाँ मुश्किल में डालती है, ऐसे ही है बिल्कुल। ये देखिए गाइस माशाल्लाह, ये जो मेरे पीछे है ना मुझे बहुत ज्यादा ये पसंद है, ये चीजें इस तरह की, और खास तौर पे ये देखिए लकड़ी का सारा काम हुआ है, ये बहुत ही मजेदार है। ये जो रास्ता है तो आई थिंक वो तो, और एक और भी बात है कि जैसे कि हवा चल रही है ठंडी, और इस हवा की वजह से हल्का हल्का पानी निकलना शुरू हो गया आंखों से, तो ऐनक यानी लगाने के बावजूद भी, लेकिन ओवरऑल फिर भी चिल करना चाहिए, हर चीज को एंजॉय करना चाहिए। जैसे कि ये देखिए ये बड़ा मजे का माहौल है ये वाला, आपको फिशिंग का शौक होगा मेरा ख्याल है ऐसा। क्या ख्याल है मुझे? हाँ मुझे फिशिंग का शौक है, लेकिन कभी कभार करते हैं, ज्यादातर तो नहीं। इधर आके तो सुना है कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है उसके लिए। या एक तो... काम करें आप जरा वो फ्रंट वाला कैमरा कर लें दोनों। हाँ तो मैं चौधरी साहब से पूछ रहा था कि आपको, मेरा जाती ख्याल है कि आपको फिशिंग का शौक होगा। बस थोड़ा बहुत है, इतना ज्यादा नहीं है, कभी कभार करते थे पूरी पाकिस्तान में, तो कभी नहीं की, श्रीलंका में की है, तो यहाँ पे भी जब मौसम आएगा करेंगे। अब मौसम पता नहीं कौन सा है फिशिंग का मौसम, वैसे तो एक्चुअली मौसम जो है ना वो यही है नवंबर से, क्योंकि मैं तो फिशिंग पाकिस्तान में, मुझे बड़ा शौक है,
तो नवंबर में मैं पिछले दिनों कुछ दोस्त हैं वो गए हुए थे फिशिंग करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फिशिंग करने के लिए आपको पता है परमिट बनाना पड़ता है, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। ऑनलाइन जाओ, थोड़े से डॉलर है वो, उनकी फीस है 10-20 डॉलर और परमिट बन जाता है, फिर आप फिशिंग कर सकते हैं। और पीछे जरा आपको देख के तो ये फिर बड़ा मजा आता है फिशिंग का। तो बड़े लोग यहाँ पे लेक्स जो कैनेडा में दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत झीलें हैं, तो बड़े लोग फिशिंग कर रहे होते हैं। देखें मुझे तो बहुत प्यारे नजारे नजर आ रहे हैं, लग रहे हैं ये तो प्यारी जगह लग रही है। नहीं ये तो अभी मौसम गर्मा जब स्टार्ट होगा ना तो फिर कैनेडियन की जो लाइफ होती है ना, फिर से जोबन में आ जाते हैं कैनेडियन जब गर्मी का मौसम। फिर वीकेंड ऐसे होते हैं जैसे मैं कहता हूँ कि छठ गला मजे मजे। तो सब आपको ये रास्ते कैसे लगते हैं? ये देखिए सीनरी कितनी प्यारी, ये ग्रीनरी सारा कुछ कैसे लगते हैं? अक्सर किताबों में ऐसे नजर आते हैं सीन, है ना? हाँ जी हाँ जी, लाइव देखने का अपना मजा। अच्छा क्यों ना हम अपने दोस्तों को वाइट कब्बे दिखाएं? ये देखिए ये बिल्कुल है, कुछ लोग बल्कि वो उस तरफ ज्यादा बैठे हुए हैं, तो उस तरफ चलते हैं दिखाते हैं। वाइट सेब कब्बे कितने मोटे मोटे हैं माशाल्लाह। अभी इनके इनको हमने वो पिस्ता वगैरह बादाम वगैरह फेंके हैं तो ऐसे मतलब चपटे हैं उनको पिस्ते बादाम को तो। लेकिन मजे की बात है ये देखिए ये बिल्कुल नहीं डर रहे, वरना कौवा तो बड़ी दूर से डर के भाग जाता है। तो मैं जरूर अपने एक यहाँ पे चोरी साहब का व्यू लूंगा। आप क्या कहते हैं इनके बारे में? मैंने तो पहली बार देखे हैं जिंदगी में। हाँ ये बहुत खूबसूरत बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे तो ये पहले नहीं पता था कि ये वाइट कब है, मैं तो कोई और ही सोच रहा था। आप कबूतर समय क्योंकि कुछ लोग नहीं, मैं कबूतर नहीं समझ रहा था, लेकिन ये परिंदों का मैंने इनको पहली बार देखा है तो मैं समझ रहा था पता नहीं इनका नाम क्या है। मतलब सुनने में आया, पहले भी मैंने सुना था कि इधर वाइट कबे भी होते हैं, आज मैंने देख लिया और तसल्ली से देख लिए। तो ये एक्चुअली सीगल्स हैं, सीगल्स गुड। हमारी कंफ्यूजन भी जरूर होगी। तो गाइस ये है वो रेड रेड वाले, ये देखिए माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरती बना रही है। इनको क्या लगे हुए हैं ये बता सकते हैं आप? ये क्या है? ये कोई इनका बीज ही है, लेकिन इतने खूबसूरत हैं, अल्लाह की शान है जी। तो चलते हैं आप दूसरी तरफ, उस तरफ देख के आते हैं उस तरफ क्या खूबसूरती है। तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे हम पत्थरों पे खड़े हैं, नीचे पीछे हमारे एक नदी है, ये देखिए झील है साथ साथ।
बिल्कुल समंदर के साथ। तो चल साहब, ये साथ ट्रेल भी है, तो ये ट्रेल जिस तरह की ये सैरगाह बनी है, तो आपको किस तरह का ये लग रहा है सारा? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारे सीन है। और इसके अलावा थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ पे ये गीज वगैरह है, यानी मैं आपको दिखाता हूँ गीज। ये वैसे अभी सर्दियाँ यहाँ पे आ गई हैं, तो सर्दियों में ये चले जाने हैं गर्म इलाकों में, तो यहाँ से ये उड़ के चले जाने हैं बारह, तो आपको दिखाते हैं। चलें आगे फिर। चलें जी। चलो जी, आ जाएं। तो देखिए यहाँ से ना, ये देखिए इतना सारा माशाल्लाह पब्लिक के लिए इतना कुछ बनाया, बड़ा खूबसूरत। पीछे भी मेरे ये देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन अभी जारी है, और भी ये शायद पोर्ट बना रहे हैं इसको। और इस तरफ जो है ना वो वॉलीबॉल कोर्ट है। यहाँ से खड़े होके तकरीबन एक दफा ये देखिए कितना खूबसूरत सारा कितना व्यू है, सारा का सारा बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। और पब्लिक के लिए ये वॉलीबॉल कोर्ट बनाया है यहाँ पे, यहाँ पे वॉलीबॉल के जो शौकीन है वो खेल सकते हैं। और इधर हम जैसे जो हम तो क्रिकेट लवर हैं, लेकिन जो जो स्पेक्टेटर्स होते हैं देखने वाले वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो बहरहाल कोई भी नहीं खेल रहा, वो दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा अमेजिंग है, जबरदस्त है। ये देखिए गाइस, ये पूल है, और ये वाला जितना भी सीन है, आई थिंक ये सारा जो इंतजामिया है ना, ये जो बोट्स हैं इनकी जो इंतजामिया है, यहाँ पे सिर्फ वही एंटर हो सकते हैं, आगे नहीं जा सकते हम लोग। तो जी YouTube फैमिली, ये देखिए कितना खूबसूरत पूल है, और ये एक तरफ तो सारे ये खड़े हैं, ये बोट्स वगैरह खड़े हैं, उस तरफ हमें अलाउ नहीं है जाना, लेकिन इस तरफ हम जा सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा पूल है। सब यहाँ से नीचे नजर आ रहा है, इतनी गहराई तो नहीं यहाँ पे, ये देखिए नीचे से वो नजर आ रहा है, इसका फर्श वगैरह कह सकते हैं आप। यहाँ से आप अराउंड मतलब एक दफा दिखाएं, ये कितना खूबसूरत है ये सारा, ये देखिए।
आपको ही व्यूज दें, एक सेकंड मैं आपकी तरफ करता हूँ कैमरा, आपको व्यूज दें कि आपको किस तरह की ये जगह लगी, इस तरफ आ जाए। माशाल्लाह बहुत सारी जगह है। हाँ जी, देखने वाली है। हाँ जी, अभी सीजन है, कुछ लोग आ रहे हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। सीजन तो ऑलमोस्ट आउट हो गया, लेकिन कुछ हमारे जैसे जो है ना वो शौकीन, वो फिर इसलिए। हाँ जी, ऐसी चीजें देखने का शौक भी है। हाँ जी, मजा भी आ रहा है। हाँ जी, वो एंजॉय तो नहीं जो सीजन में होता है। हाँ जी, कोई शक नहीं, एंजॉय एंजॉय ही होता है। ये साथ पार्क है, कैसा लग रहा है आपको ये पार्क? बच्चों के लिए बने हुए हैं, झूले वगैरह बने हैं बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए बहुत प्यारी जगह है। हाँ जी, तो जी गाइस ये है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं गीज। ये एक्चुअली अभी जैसे यहाँ पे सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो इन्होंने यहाँ से हिजरत कर जानी है। ये फिर चले जाएंगे गर्म इलाकों में, दोबारा से फिर जब यहाँ पे गर्मी आएगी फिर ये यहाँ पे आएंगे। तो चर्च साहब, इनका मैं एक आपको बताता हूँ, ये पीछे भी चढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये अटैक भी कर देते हैं। हाँ जी, तो और मजे की बात ये है कि जब मतलब ड्राइविंग के दौरान ये रोड क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो गाड़ी खड़ी करनी होती है, इन्होंने गुजरना है फिर गाड़ी जाएगी। इनको मतलब ये नहीं है, इनका बहुत एहतराम है। यहाँ पे जो सिक्के वगैरह ना, उन पे इनकी तस्वीर भी है। ये बड़े प्यारे लगते हैं माशाल्लाह, ये देखिए, यूं कह लें कि बड़ी बड़ी बतखें हैं ये। तो ये था जनाब आज की हमारी वीडियो, लेकिन इससे पहले मैं एक ओवरव्यू लूंगा चौरी साहब से कि उनको ये कैसा लगा सारा माहौल। बहुत मजा आया जी। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा, बहुत नज़ारे लिए हमने, बहुत प्यारी जगह देखने के लिए, घूमने के लिए। हाँ जी, और आप भी इस जगह पे आए देखें। हाँ जी, उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें। जैसा कि अभी अभी चौरी साहब ने हमें बताया कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, और जो हमारे दोस्त कनाडा के, इस जगह लाजमी आए और इस जगह को एंजॉय करें, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन अब वीडियो को करेंगे हम एंड, और एंड पे आज एंड करेंगे चौरी साहब जी। अल्लाह हाफिज़ जी, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो इनका चैनल है, क्या नाम है उसका, ग्लोबल देसी टीवी, उसको भी सब्सक्राइब करें और मजे लें। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो ये मेरे ख्याल से वो है जहाँ से जो बेरी बोट्स आती है, कह रहा हूँ मैं। हाँ जी, जबरदस्त, बहुत प्यारी चीज। यस।